नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी, ताजा समाचार से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा एक साल बढ़ी। अब इन विभागों को छोड़कर कोई भी एक साल तक सेवानिवृत्त नहीं होगा। कौन कौन से विभाग को छोड़ दिया गया वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। तो चलिए विस्तार जान लेते हैं, इसके बाद अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, कर्मचारियों की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब एक साल तक कोई नहीं होगा रिटायर्ड। कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, इससे प्रदेश सरकार का खजाना खाली हो गया है। इस महीने जैसे तैसे कर्ज लेकर वेतन बांट दिया गया। सूत्र कहते हैं कि अब एक साल तक राज्य में नई भर्ती नहीं होगी। जो भी कर्मचारी इस दौरान रिटायर्ड होगा उसे एक साल की संविदा भर्ती पर रख लिया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार के पास रिटायर्ड कर्मियों को देने फंड के पैसे भी नहीं है, इसलिए घुमा फिराकर यदि कहा जाए तो प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र 63 साल कर दी गई है, यानी एक साल और बढ़ गई। प्रस्ताव वैसे 2 साल का था, किंतु प्रमुख सचिव वित्त अनुराग जैन ने इसे 1 साल करा दिया है। उनका मानना है कि 1 साल के अंदर राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। प्रदेश सरकार के सभी विभाग में पुलिस एवं शिक्षा छोड़कर यह नई व्यवस्था लागू होगी। अर्धशासकीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, JDA, हाउसिंग बोर्ड, सभी विश्वविद्यालय में भी 1 साल तक कोई नहीं भर्ती नहीं होगी। प्रदेश के सभी निगम मंडल तथा बोर्ड में भी 1 साल का कार्यकाल संविदा के आधार पर बढ़ाया जाएगा। इससे पहले शिवराज सरकार ने 2 साल की सेवा अवधि बढ़ाई थी, 60 की बजाय इसे 62 कर दिया गया था। इसी तरह राज्य में अब 1 साल तक कोई नया विकास कार्य या परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। एक निर्धारित राशि के बाद भोपाल से परमिशन खर्च की लेनी पड़ेगी। अभी हाल ही में लॉकडाउन के बाद 31 मार्च को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को संविदा पर रख लिया गया था। यह आदेश पहले कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों के लिए ही था, अब इसे सबके लिए लागू कर दिया गया है। तो टोटल कहने का आशय यह है कि रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी गई है, यानी 1 साल तक अब कोई कर्मचारी रिटायर नहीं होगा। दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, सुझाव लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका